हेलो, मैं डॉक्टर सुशांत पार्था डेंटल अलवाल ब्रांच से हूँ। आज मैं आपसे मसूड़ों के इन्फेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मसूड़ों की इन्फेक्शन ऐसी इन्फेक्शन है जो दांत के आजू बाजू के मसूड़े और हड्डियों को भी खराब कर देता है। मसूड़ों के इन्फेक्शन के वजह से ही ज़्यादातर दांत गिर जाना वगैरह होता रहता, हिल जाना, मुँह में हिल जाना या गिर जाना होता रहता। ये मसूड़ों का इन्फेक्शन ज़्यादातर पेनलेस रहता, कभी दर्द नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि लाइक हम लोगों को मसूड़ों का इन्फेक्शन है। मैं आपको थोड़े चीज़ें बताऊंगा जिससे आप खुद पहचान सकते हैं कि आपको मसूड़ों का इन्फेक्शन है या नहीं। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइक आपके मसूड़ों से खून निकलता है या नहीं, ब्रश करते वक्त या खाली टच करें तो भी खून निकलता है। दूसरा है आपके मुंह से गंदी बदबू आना या टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाना खाने का। तीसरा है आपको गम्स यानी मसूड़े दांत से नीचे चले जाना, नीचे उतर जाना। और तीसरा है दांत हिल जाना या निकल जाना, या थोड़े लोगों को डेंचर नहीं बैठना सीधी तरह, वो भी हो सकता। अगर आपको लगता है इनमें से कुछ भी आपको है तो फौरन डेंटिस्ट के पास जाए और इलाज करवा लीजिए। लेट करें तो आपको मसूड़ों का इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और आपके दांत निकल जा सकते हैं। इसीलिए आप जल्द से जल्द जाके इलाज कराना आपके ओरल हेल्थ के लिए, यानी दांतों के लिए या मसूड़ों के लिए, जो भी है मुंह, वो सब के लिए अच्छा, और जिससे दांत आपके मुंह में रहेंगे और आप ठीक से खाना खा सकेंगे। और ये अब मैं थोड़े ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिससे मसूड़ों का इन्फेक्शन बढ़ने में मदद करता हो, जैसे ठीक से ब्रश नहीं करना और या क्लीन नहीं करना मुंह में। और दूसरा है सिगरेट पीना, तीसरा है तंबाकू चबाना, चौथा है आपको दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े रहना, और थोड़े डायबिटिक पेशेंट्स को भी ऐसे, जैसे मैंने बोला है, आपको अगर लगे आपको मसूड़ों का कुछ भी इन्फेक्शन हो तो जल्द से जल्द आप डेंटिस्ट के पास जाए और इलाज कराए। अगर आपके इन्फेक्शन स्टार्टिंग स्टेज में है, शुरुआत में ही है, तो उसको फर्स्ट स्टेज को, अर्ली स्टेज बोलते हैं उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। इस स्टेज में आपके मसूड़े थोड़े लाल और सूजन आके और इजीली ब्लीड होते रहेंगे, खून निकलता रहेगा। ब्रश करने से हो या कुछ भी चुबाने से इजीली खून निकलता रहता। ये स्टेज में अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आप अच्छे तरीके से क्लीन कर देंगे आपके दांत को और इलाज कर देंगे। और दूसरा है ये एडवांस स्टेज को हम लोग पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। पेरियोडोंटाइटिस के वजह से ही ज़्यादातर लोगों में दांत हिलना या निकल जाना होता है। इस स्टेज में क्या होता है बोले तो, आपके मसूड़े या हड्डी दोनों भी गल जाते, कम हो जाते, इसीलिए आपके दांत को पकड़ चले जाता और वो आपके मुंह में हिलना शुरू हो जाता और कभी कभी निकल भी जाता। तो ये रहे आपके दो स्टेजेस। तो इसीलिए आपको रेगुलरली डेंटल चेकअप कराना है और अपना ओरल हेल्थ मेंटेन करना है। देखिए, आप कौन सा भी खाना खाइए, अगर आप ठीक से उसको चबाए नहीं तो ठीक से वो हजम नहीं होगा, और हजम नहीं हुआ तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको चूइंग एफिशिएंसी बोलते हैं उसको, अच्छे से चबा के आपके खाने को निगलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपके मसूड़ों के इन्फेक्शन के बारे में। आपको कुछ भी डाउट्स है या आपको अपॉइंटमेंट लेना है, आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट पे हमारा नंबर मिलेगा।
या हमारा नंबर है 0402796066। आप कभी भी आ सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेके रात में 9 बजे तक हम लोग हैं यहाँ पे। और अगर आप 9 बजे से के बाद भी आप लेट होता है तो आप एक कॉल कर दीजिए, हम लोग आपके लिए इंतज़ार करेंगे, आपका ट्रीटमेंट करके ही जाएंगे। थैंक यू।